मुझे लगता है कि जो लोग घटिया लोग होते हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म को घटिया बना देते हैं, तो जो ट्रोल्स होते हैं वो घटिया लोग होते हैं और इसलिए वो अपनी असलियत जहाँ उन्हें मौका मिले वहाँ दिखाते हैं, और जब आपके पास कोई तर्क नहीं होता तब आप गाली देते हैं। तो थैंक यू। ये जागरण फिल्म फेस्टिवल है, इसमें आप क्यों किसी की पर्सनल बातें के लिए सवाल पूछते हैं मुझे समझ में नहीं आता। किसी की भी पर्सनल बातें हैं तो उनको करने दो, आप अपना फेस्टिवल कर रहे हैं तो फेस्टिवल के सवाल पूछो ना, ये ऐसे कैसे सवाल। हाँ तो ये मंच है वो सवाल पूछने का, नहीं पूछना चाहिए ना ये सवाल। ये जागरण फेस्टिवल है उसके सवाल पूछो ना, आप क्यों किसी की पर्सनल बात के बारे में सवाल पूछ रहे हो यहाँ पे। अच्छा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और कुछ मुझे आप सिनेमा ये सब मत बोलिए, कौन एक्टर्स इससे मुझे पता ही नहीं है। एक तो आप क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं फिल्म की न्यूज़ पढ़ता ही नहीं हूँ भाई साहब, तो मुझे पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं, मुझे पता ही नहीं, कुछ नहीं पता। नहीं करना चाहिए, लोग जी रहे हैं, लोगों को जीने भी तो देना चाहिए। फोटो छापना छापो, उस पर डिस्कस बहस मत करो, करना नहीं चाहिए, नहीं करना। उनकी प्राइवेट लाइफ में वो खुश रहेंगे तो आपके लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुझे लगता है कि रूमर्स तो होते रहते हैं, इतना इस चीज़ को नहीं हमें एग्जैजरेट करना चाहिए। हो सकता है वो काम कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, सो इट कुड बी एनीथिंग, लेट्स नॉट जस्ट गेट इनटू समबडीज पर्सनल लाइफ, सो इट्स नॉट राइट, नॉट कूल। थैंक यू। कौन इंटरफेयर कर रहा है? ऑडियंस इंटरफेयर कर रही है या मीडिया इंटरफेयर कर रहा है? मीडिया इंटरफेयर करेगी तो ऑडियंस इंटरफेयर करेगी, है कि नहीं? तो ये इसके ऊपर मैं बोल नहीं सकता, सबका पेट चलना चाहिए, हाँ सबको खाना मिलना चाहिए, तो दिस इज एवरीबॉडीज वर्क। अगर कुछ हमें छुपाना है तो हम छुपाएंगे, दिखाएंगे तो आप देखेंगे, है कि नहीं? सॉरी। मुझे लगता है कि ये स्टार होने की कीमत है, और मैं रणबीर कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो उनको अगर ट्रोलिंग होती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थैंक यू जी। सॉरी मुझे समझ नहीं। हाँ मेरा टेक यही है कि सेलेब्स को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि लोग बहुत पर्सनल होना शुरू हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक प्लेटफॉर्म जो दिया गया है लोगों को अपने ओपिनियंस कम्युनिकेट करने का, लोगों को उसको बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए और बहुत ही पर्सनल ओपिनियंस और एडवाइसेस और सजेशंस अपने तक ही सीमित रखने चाहिए, और क्योंकि लोग पब्लिक पर्सनालिटीज़ हैं तो लोग उनको ज़्यादा टारगेट करते हैं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही नहीं है। आई आई एम नॉट एन एक्टर और मैं एक डायरेक्टर हूँ, तो मुझे इतना मैं इस पर कॉमेंट नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि एवरी वन हैज़ अ राइट टू ओपिनियन, और सबको एक हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और सबको एक ओपिनियन है सबके पास, तो जिसकी जैसी मर्जी जिसको जैसा बोलना है वो बोल सकते हैं। नथिंग लाइक दैट येट।
इट्स ऑल रूमर्स। मैं उसके बारे में क्या कहूँ, एक्चुअली एक्चुअली दैट ट्रू, पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी भी एक लाइफ है और सबको राइट है अपने अपनी लाइफ अपने अपने तरीके से यू नो जीने के लिए। सो आई थिंक हम लोग को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक इट्स देयर लाइफ, इट्स देयर यू नो व्हाटएवर। सो आई थिंक वी आर नो वन टू से एनीथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भैया मुझे तो मालूम नहीं किसका किसके साथ फ़ोटो शूट किया गया, वो इम्पोर्टेंट नहीं।